नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 3 चरणों 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान के लिए चुना गया है। वहीं चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राज्य में कुल 1,06,526 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कुल 7,29,27,396 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा है। उससे पहले नई सरकार का गठन अनिवार्य है। बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अपनी बुद्धि और वाक शैली पर भरोसा रखने वाले तेजस्वी हर वक्त नीतीश को खुली बहस की चुनौती देते हैं। वो 9वीं कक्षा तक उनकी शिक्षा और 2019 की करारी हार तक के सवालों का सदा जवाब देते हैं। तेजस्वी एक दिन में 22 रैलियां तक कर रहे हैं। पीएम मोदी से अलग चुनावी रैलियों में उन्हें अचानक भीड़ के बीच लोगों से बात करते देखा जाता है। जब वो जनता के बीच सवाल दागते हैं कि नौकरी चाहिए, तो भीड़ की हुंकार सुनाई पड़ती है, जिससे महागठबंधन का हौसला बुलंद होने लगा है। उसके पीछे नीतीश विरोध की बनती जा रही परिस्थितियां और तेजस्वी की सभाओं में उमड़ती भीड़ को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, बदहाल शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार पर कारगर चोट जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे तेजस्वी यादव को देख लोगों को लगने लगा है जैसे चुनावी मैदान में वो ही छाए हुए हैं। और इसका अंदाजा इस बात से होता है कि राहुल गांधी की सभा में जुटी भीड़ तेजस्वी यादव के नारे लगा रही थी। 9 नवंबर 1989 को पटना में जन्मे तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई जमी नहीं। तेजस्वी की पढ़ाई को लेकर विरोधी उन पर तंज कसते रहते हैं। वो महज 9वीं तक पढ़े हैं, यानी उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा भी पूरी नहीं की है। लेकिन तेजस्वी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, हर मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रखते हैं और कई बार सरकार पर जमकर प्रहार भी करते हैं। तेजस्वी यादव ने राजनीति से पहले 20 साल की उम्र में क्रिकेट से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके लिए उन्हें अपने परिवार का सहयोग भी मिला था। उनके पिता लालू यादव भी बतौर प्रशासक क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तेजस्वी ने 2009 में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। वे आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। तेजस्वी का क्रिकेटर बनने का सपना इसलिए पूरा नहीं हो सका क्योंकि वो ना तो गेंद और ना ही बल्ले से मैदान पर जलवा बिखेर सके। अपने छोटे से क्रिकेटिंग करियर में तेजस्वी ने मात्र 1 प्रथम श्रेणी मैच, 2 ए श्रेणी के क्रिकेट और 4 टी20 मैच खेले। बल्लेबाजी में उनका उच्चतम स्कोर 19 रन रहा। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 10 ओवर में महज 1 विकेट लिया। लेकिन अपने 2 साल के पॉलिटिकल करियर में तेजस्वी अब तक हिट रहे हैं। यही कारण है कि विपक्षियों पर उनके निशाने सटीक बैठते हैं और युवा उन्हें यूथ आइकन के नाम से ही पुकारते हैं। तेजस्वी यादव के अब तक राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो उन्होंने साल 2010 में शुरुआत की थी। 2010 में उनके पिता लालू यादव ने उन्हें अपने साथ रैलियों में शामिल करने के लिए लगाया और लोगों को उनका परिचय भी दिया करते थे। लेकिन 2015 के चुनाव में तेजस्वी अपनी पार्टी के स्टार बन गए। अपनी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले वैशाली जिले के राघोपुर से तेजस्वी पहली बार विधायक और फिर डिप्टी सीएम बने। इस चुनाव में महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उनको उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार में वर्ष 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन के तहत चुनाव जीता था और नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 2015 के चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, जबकि नीतीश की पार्टी जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस 27 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 53 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन 1.5 साल बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर नई सरकार बना ली थी। इतना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। सत्ता गंवाने के बाद विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी के जोरदार भाषण ने उन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर बिहार में पहचान दिलाई।
बाद में वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में सरकार को घेरते रहे। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में प्रमुख चेहरा है और लालू यादव के विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। राजद ने लालू यादव के विकल्प के रूप में उन्हें स्वीकार भी किया है। अब एक नजर 2020 में बने गठबंधन की तस्वीर पर डालते हैं। इस बार के चुनाव में चार गठबंधन मैदान में है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा बिहार में इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ऐसे हैं जो चुनाव से ठीक पहले ही बने हैं। सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी राजद ने पिछले चुनाव में ही महागठबंधन बनाया था। भाजपा और जदयू को कुर्सी से हटाने के लिए महागठबंधन में इस बार वामपंथी दलों को भी साथ लिया गया है। कांग्रेस उनके साथ पहले से ही है। महागठबंधन में राजद 144 सीटों पर, कांग्रेस 70 सीटों पर और लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं इस चुनाव में एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जदयू के अलावा वीआईपी के मुकेश सहनी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए हैं। हालांकि लोजपा इस बार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इन पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। जदयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी 121 सीटों पर। जदयू ने अपने खाते में से 7 सीटें जीतन राम मांझी की हम पार्टी को दी है। वहीं भाजपा मुकेश सहनी की वीआईपी को अपने हिस्से से 11 सीटें दे रही है। महागठबंधन और एनडीए के अलावा एक तीसरा गठबंधन भी है। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, आईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी गठबंधन बनाया है, जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का नाम दिया गया है। और चौथे गठबंधन के तौर पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन यानी पीडीए बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, एमके फैजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई और बीपीएल मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। ऐसा राज्य जहां सब कुछ जाति और वोटिंग पैटर्न एमवाई जैसे समीकरणों के आधार पर तय होता रहा हो, ये चुनाव तय करेगा कि भीड़ के साथ अपने कनेक्शन को तेजस्वी किस तरह वोटों में तब्दील कर पाते हैं। हालांकि परिणाम चाहे कुछ भी हो, कटु आलोचक भी निजी तौर पर ये मानने लगे हैं कि बिना रुके इस धुआंधार प्रचार के जरिए तेजस्वी 2015 में कहीं भी नहीं होने से 2019 में कुछ करने की स्थिति से 2020 में सबके बीच तक पहुंच चुके हैं। वो बिहार की राजनीति में लंबा टिकने वाले हैं। वहीं बिहार चुनाव 2020 की बात करें तो बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हो चुका है, जिसमें कुल 53.54% वोटिंग हुई है। पहले चरण का मतदान जिन विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, वहां 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी वाले तत्कालीन महागठबंधन को 46 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इनमें 25 पर आरजेडी यानी तेजस्वी पार्टी और 21 पर जेडीयू यानी नीतीश पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। हालांकि इस बार समीकरण बदले हुए हैं, बावजूद इसके महागठबंधन ने उन सीटों पर काफी उम्मीदें लगा रखी है। वहीं दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में आरजेडी ने 56, बीजेपी ने 46, जेडीयू ने 43 और कांग्रेस ने 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। वामपंथी दलों में सीपीआई एमएल के 6, सीपीआई के 4 और सीपीएम के भी 4 प्रत्याशी इन्हीं क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राघोपुर विधानसभा सीट पर भी दूसरे चरण में ही मतदान होना है और इस सीट से तेजस्वी यादव खुद चुनावी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी के संतोष कुमार यादव हैं। इसके अलावा लोजपा के राकेश रोशन भी इस सीट से मैदान में उतर रहे हैं। इसके बाद तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है और फिर 10 नवंबर को परिणाम के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या इतिहास दोहराएगा या इतिहास बदल जाएगा और बिहार में एक युवा मुख्यमंत्री नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।